हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एफएम का रिवीजन लेक्चर नंबर 3। और टोटल हमारे 9 लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्योंकि जो मेरे शॉर्ट नोट्स है उसी से मैं कवर करवा रहा हूँ, ताकि आप खुद से जब पढ़ना चाहें उनको बाद में तो भी इजीली उनको कवर कर पाएँ। ठीक है, तो उसमें 9 चैप्टर्स हैं, ये 3rd चैप्टर हम आप डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर जो हमने डिस्कस किए हैं रिवीजन के, अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई डाउट कोई क्वेरी है तो उन्हीं पर्टिकुलर वीडियोज़ के कमेंट में आप डालेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी उनका जवाब दिया जाए। और रिवीजन आपका हर सब्जेक्ट का मैं ऐसे ही 3 to 3.5 आवर्स में कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसका मतलब है आप एक दिन में इजीली 3 से 4 सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। प्लस अगर इससे इनके अलावा कोई आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में डालेंगे, क्योंकि जो रिवीजन वीडियोस हैं हम उनको एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, बेसिक 2 डेफिनेशन देखते हैं। एक अपना होता है लैग्रांजियन अप्रोच, इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्लूइड पार्टिकल है उसी पे सारी स्टडीज़ करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता चला जाता है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते, अपने सिलेबस से बाहर है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है वो यूलेरियन अप्रोच है, इसमें हम क्या करते हैं कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई फ्लूइड पार्टिकल गया है, ट्रेवल कर रहा है, तो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट हाँ, एक क्रॉस सेक्शन पे हम अगर ऑब्जर्व करें, मुझे बस इसी क्रॉस सेक्शन पे ऑब्जर्वेशन लेनी है, तो मैं यहाँ शांति से बैठ के आराम से ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं। स्टेडी फ्लो फ्लो इन विच फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, टाइम के बेस्ड चेंजेस नहीं आ रहे हैं एक क्रॉस सेक्शन पे। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारी कुछ इस तरह की पाइप है, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन ये हो गया फर्स्ट, एक ये हो गया सेकेंड। ठीक है, तो एक ही क्रॉस सेक्शन पे ऑब्जर्व करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन पे अगर विद टाइम कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो फ्लूइड स्टेडी फ्लो है। फ्लो क्या है, स्टेडी फ्लो है। यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लो इन विच वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन एट अ गिवन टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं देख रहा हूँ, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 10:10 पे देखा, उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी या फिर कोई और भी पैरामीटर जो है प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की, वो क्रॉस सेक्शन 1 पे भी वही है और क्रॉस सेक्शन 2 पे भी वही है, मतलब सारे क्रॉस सेक्शन पे सेम प्रॉपर्टीज आपको मिल रही है, तो वो आपका यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, लेमिनार फ्लो जनरली अकर्स एट लो वेलोसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। ठीक है, रोटेशनल फ्लो इज वन इन विच फ्लूइड पार्टिकल रोटेट्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलिए स्ट्रीमलाइन देखते हैं, क्या होता है स्ट्रीमलाइन। टेंजेंट ड्रोन टू इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल गिव फ्लो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मान लीजिए ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करके गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर वहाँ परपेंडिकुलर टेंजेंट डालने से फ्लूइड की वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रीमलाइन है। वेलोसिटी जो आपके फ्लूइड पार्टिकल है, कुछ एक्स डायरेक्शन में होगी, कुछ वाई डायरेक्शन में होगी, कुछ जेड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये नोटेशन लिखने का तरीका है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन देखते हैं। डी एक्स बाई डी यू, डी वाई बाई बी एंड डी जेड बाई डब्ल्यू। ठीक है, ये इक्वेट करेंगे, और जब भी क्वेश्चन एज वेन रिक्वायर्ड होगा तो जनरली हमारा कोई 2 पार्ट हमारा यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेंगे। ये 3D इक्वेशन है, ऐसे ही 2D इक्वेशन हमारी एक्स वाई में, वाई जेड में भी हो सकती है और जेड एक्स में भी हो सकती है। स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट विद इटसेल्फ और अदर्स। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रीमलाइन ये है और दूसरी स्ट्रीमलाइन ये है, इंटरसेक्ट अगर ये खुद से कर गई किसी और से कर गई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जब टेंजेंट डालेंगे तो 2 वेलोसिटी आएगी, और एक पार्टिकल कभी भी 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पाथ लाइन, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ये तो सिंपल है, पाथ तो एक पार्टिकल कुछ भी फॉलो कर सकता है, और ये घूम फिर के खुद को और किसी और को भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रीक लाइन, लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे पार्टिकल किसी भी क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं, उन सबका जो लोकस रहेगा वो हमारा स्ट्रीक लाइन्स है।
ठीक है। फॉर स्टेडी फ्लो, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, स्टेडी फ्लो जब रहेगा स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन स्ट्रीक लाइन सारे कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने देखी होगी कि रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू होता है, बट फ्लूड के केस में जो एकदम जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो हम लिखेंगे डेल रो बाय डेल टी, मतलब कि चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस डेल बाय डेल रो, रो यू, यू क्या है एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी है, डेल बाय डेल वाई, रो वी, वी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी है सिमिलरली, प्लस डेल जेड बाय डेल डब्ल्यू। अब देखिए इस चीज़ को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो है इसका मतलब होता है, ये नोटेशन होती है, ये होती है डेल वाई डेल एक्स आई कैप, डेल वाई डेल वाई सॉरी जे कैप, प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, ठीक है। तो ये जो नोटेशन है, ये सिंबल है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा वेलोसिटी का, तो एक्स वाई यू वी एंड डब्ल्यू ऐड अप हो जाएंगे। अगर स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो हमने पढ़ा था टाइम के साथ अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो ये टर्म जो है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो सिंपल वही टर्म बचेगी बस स्टेडी फ्लो के लिए, ये इक्वेशन हो गई। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है तो इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये टर्म जीरो होगी, और हर इस टर्म में से रो बाहर निकाली और राइट साइड में जीरो है तो रो भी कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के लिए आपकी ये इक्वेशन होगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेडली कहीं ना कहीं आपकी यूज होती रहेगी। फ्लो इज पॉसिबल ओनली इफ कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। चलिए एक्सेलरेशन देख लें फ्लूड पार्टिकल का, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। देखिए एक जनरल जो आपका एक्सेलरेशन है, कुछ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, कुछ वाई में होगा, कुछ जेड डायरेक्शन में होगा। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हम निकालेंगे यू इंटू, यू क्या है, यू आपकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, वी आपकी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी है, एंड जेड आपकी, W आपकी Z डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये तीनों, ठीक है। U डेल U बाई डेल X प्लस V डेल U बाई डेल Y प्लस W डेल U बाई डेल Z, ठीक है, मतलब कि U थ्रू आउट कॉमन रहेगा। सिमिलरली जब Y डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो U डेल V बाई डेल X, V आपका अंदर कॉमन रहेगा हर एक में, ठीक है। सिमिलरली Z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसमें W आपका कॉमन रहेगा, U, V एंड W, ठीक है, ये याद करने का जस्ट तरीका है। तो ये जो कंपोनेंट है ये स्पेस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इसमें कुछ टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं कन्वेक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है, और ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होगा इसका मतलब हर क्रॉस सेक्शन पे आपका चेंजेस कुछ ना कुछ आ रहे हैं, इसका मतलब है स्पेस से रिलेटेड कुछ आपके एक्सेलरेशंस आ रहे हैं, ठीक है। प्लस इसमें एक और कंपोनेंट आता है जो ए एक्स डायरेक्शन में अगर बात करेंगे तो यू जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में वी जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये आपका कहलाता है टेम्पोरल कंपोनेंट और लोकल कंपोनेंट, और ये तभी आता है जब आपका अनस्टेडी फ्लो होता है, मतलब टाइम के साथ जो चीज़ें चेंज होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो गए, टोटल जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ वो ये हो गया, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस हम इनमें वैल्यूज रखने में गड़बड़ कर देते हैं। बस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अकर ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है, एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन अकर ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शंस। शियर स्ट्रेन रेट पे कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, शियर स्ट्रेन रेट अगर मैं बात करूं तो ये सिंबल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं जो यूज़ किया करता तो मैंने लिखा है, बट आप सिंबल अपनी तरफ से जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाफ इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। अब देखिए रोटेशन देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्लूड काइनेमेटिक्स पे। रोटेशन ऑफ फ्लूड पार्टिकल देखते हैं, रोटेशन मतलब कि एंगुलर स्पीड जो है, ठीक है, तो ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है वो एक्स डायरेक्शन में कुछ होगी, कुछ वाई डायरेक्शन में होगी और कुछ जेड डायरेक्शन में होगी, ठीक है।
और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये नोटेशन होता है हाफ इंटू कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये जो सिंबल मैंने बताया था, इस सिंबल का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। डेल सिंबल जो ये है इसका मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। इसी का क्या है, ये एक्स कंपोनेंट वाई जेड, इसी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया यू वी एंड डब्ल्यू के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट आई होप आप सबको लेना आता होगा। जब आई कैप वाली चीज़ निकालनी है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। जब जे कैप वाली चीज़ निकालनी है तो माइनस ऑलरेडी बाहर रखेंगे, ठीक है, और इस चीज़ को इसको छुपाएंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आई होप क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है, अगर नहीं भी आता तो ये आप देख लीजिए, इधर एक्स वाई और z डायरेक्शन में जो आपका रोटेशन है वो ये आ जाएगा। याद करने का सिंपल तरीका है, जब x है तो y z सीक्वेंस में चल रहे हैं, y z x y, ठीक है। और हाफ सबके सामने लगाया है, और नीचे जो है इसका प्रोडक्ट मतलब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ लिखी जाएगी और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि z डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो w होती है, ठीक है। और देखिए ये जो W है ये वेलोसिटी इन Z डायरेक्शन है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, जो वेलोसिटी इन Z डायरेक्शन है, वेलोसिटी इन Z डायरेक्शन उसको मैंने डिनोट किया है इस तरह से, और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको मैंने सिंपल W से डिनोट किया, मतलब कि इसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी इन Z डायरेक्शन है और ये नेट वेलोसिटी है आपकी, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके ये सिंपल W है, ठीक है, और ये वाला भी आपका सिंपल W है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इन X, एंगुलर वेलोसिटी इन Z एंड Y एंड एंगुलर वेलोसिटी इन Z डायरेक्शन, तीनों अगर जीरो है तो ही आपका वो इरोटेशनल फ्लो कहलाएगा। देखते हैं वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी सिंपल है, जीटा से डिनोट कर रहा हूँ, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट इसी का, और जो डब्लू था हमारा रोटेशन जो था एंगुलर वेलोसिटी था वो क्या था, इज इक्वल टू हाफ ऑफ कर्ल वी, ठीक है। अब हाफ हट गया, इसका मतलब है दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ जो एंगुलर वेलोसिटी आपकी जो है वो आपका वोर्टिसिटी है, ठीक है। जीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जेड, ठीक है, फॉर टू डी फ्लोज जीटा जेड डायरेक्शन का। सर्कुलेशन ऐसी क्या, क्या ये नोटेशन है सर्कुलेशन का, ये होगा इंटीग्रेशन, देखिए डी ए डबल डायरेक्शन का इंटीग्रेशन है तो दो बार इंटीग्रेशन होगा, और जीटा की जो भी टर्म होगी वो क्वेश्चन से निकल जाएगी आपकी, यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो जीटा इंटू डी ए, देखिए सिंपल आएगा, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स जब आपसे डबल इंटीग्रेशन करवाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा, बट जब भी आपका सर्कुलेशन का क्वेश्चन आएगा बहुत ही इजी इंटीग्रेशन आता है, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं, फाई फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको नेगेटिव साइन लेंगे तो वो आपका देता है वेलोसिटी इन यू डायरेक्शन। पोटेंशियल फंक्शन को अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं विद अ नेगेटिव साइन तो वह आता है वाई डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी देता है, और अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को जेड से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ तो आपका जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, ठीक है। अगर फाई एग्जिस्ट करता है तो फ्लो आपका इरोटेशनल होगा, और अगर फाइव आई आपकी लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपका फ्लो पॉसिबल है, ठीक है। स्लोप ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन का स्लोप आपका माइनस यू बाई वी होगा, जो कि डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। इसी में से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपका माइनस यू बाई वी आता है। चलिए स्ट्रीम फंक्शन देखते हैं, साई से डिनोट करता हूँ मैं, और ये सिर्फ 2D फ्लो के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो यू डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी डेल साई बाय डेल वाई, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ तो यू डायरेक्शन वेलोसिटी देगा, वही साई फंक्शन को अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा है, आपको ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है,
क्योंकि वो आपसे फाइव फंक्शन देगा और साई फंक्शन देगा फाइव पूछेगा, या फिर फाइव फंक्शन देगा साई पूछेगा, कुछ भी करेगा, यू भी देगा आपसे, इनमें से कोई भी फंक्शन पूछेगा। अगर आपका स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है मतलब कि फ्लो पॉसिबल है, और अगर स्ट्रीम फंक्शन आपका लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मतलब फ्लो इरोटेशनल है। देखिए ये चीज़ कैसे है, कैसे आई है, हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो डिटेल्ड लेक्चर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, वो वहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड स्ट्रीम लाइंस आर ऑर्थोगोनल। देखिए स्ट्रीम लाइन का जो स्लोप है dy by dx वो आपका v by u है, और जो इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप पड़ा था वो माइनस u by v हमने देखा था, ठीक है। और जब भी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करके माइनस वन अगर प्रोडक्ट आता है तो वो दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। अगर डिस्चार्ज आपसे निकलवाया जाए किसी पर्याप्त लेंथ, तो दोनों स्ट्रीम फंक्शन को आप माइनस करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, और जो नेगेटिव आया उसको भी पॉजिटिव बना के लिखेंगे, ठीक है। मॉडुलस का मतलब है अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना के लिखेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। लास्ट इज कुची रहमान इक्वेशन। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप देखना चाहें, अगर यू हम निकाले दोनों इक्वेशन से, स्ट्रीम फंक्शन कहता है यू इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल वाई, एंड जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है उसके हिसाब से यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन इक्वेट करेंगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाती है, और इसी को कोची रहमान इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली डालेंगे, और कोई पर्टिकुलर अलग टॉपिक जिससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि गाइडेंस और स्ट्रेटेजी, या और भी कोई आपका पर्टिकुलर चॉइस है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि वो सारा डिस्कशन हम इन लेक्चर्स में नहीं करेंगे, उनकी सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे ताकि ये लेक्चर कम से कम टाइम में कवर अप हो जाए। स्टे फोकस एंड डू वेल इन एग्जाम।